जानना चाहते हैं घर बैठे हलवाई जैसी आलू गोभी की रेसिपी, तो आप ट्राई कर सकते हैं मेरी आज की इस रेसिपी को। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान तरीके से शादी वाली आलू गोभी की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ आज की इस रेसिपी को, बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ आलू गोभी की इस रेसिपी। शादी वाले आलू गोभी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 5 से 7 आलू। आलू को सबसे पहले छील कर आपको धो लेना है। उसके बाद आलू को बीच से कट करके आलू के स्लाइसेस काटने हैं। ये देखिए, जो हम स्लाइसेस काटेंगे वो ना बहुत ज़्यादा मोटे होने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतले होने चाहिए। इसी तरह से आपको लेना है गोभी का एक फूल। मैंने गोभी का एक फूल यूज़ किया है क्योंकि मैंने इस रेसिपी को 5 से 6 लोगों के लिए बनाया है और 5 से 6 लोगों के लिए ये इनफ है। गोभी को आपको बीच से काट कर गोभी के मोटे फूल काटने हैं, बहुत पतले फूल भी आपको नहीं काटने हैं। तो आपको लेना है एक कढ़ाई या गहरा बर्तन, उसमें डालना है 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल को पहले गर्म होने देंगे, उसके बाद हमें फ्राई करना है आलू और गोभी। ध्यान रखें, आलू और गोभी को हमें सेपरेटली फ्राई करना है। ध्यान रखें बहुत सारे आलू को भी एक बार में ना तलें। गैस को हाई फ्लेम पर करते हुए आपको आलू को डीप ब्राउन फ्राई करना है। आलू हल्के से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन हमें डीप गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है इनको। आलू फ्राई हो चुके हैं, अब तेल से अलग छानते हुए आप इन्हें किसी बर्तन में या प्लेट कटोरी में निकाल लें। इसी तरह से आपको गोभी को भी फ्राई कर लेना है। गोभी फ्राई होकर तैयार है। रेसिपी को आगे बढ़ाने से पहले प्रिपेयर करते हैं मसाले। मसाले में मैंने लिया है 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही साथ आपको लेना है स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर। मैंने 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है। साथ ही साथ मैंने लिया है 1 से 1.5 छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर। इन तीनों मसालों को थोड़ा सा पानी डालकर मैंने 5 से 10 मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया है। आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए अब चलते हैं फाइनल प्रोसेस की ओर। सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आपको तेल को गर्म होने देना है। अगर आपको 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ज़्यादा लगता है तो आप इसे कम ऑयल में भी बना सकते हैं। सबसे पहले तेल गर्म हो जाने के बाद हमें इसमें ऐड करना है हींग। हींग के साथ साथ तेज़पत्ता, आप किसी भी तरीके के खड़े मसाले का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें ऐड किया है 2 से 3 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज, जिसे मैंने पेस्ट बनाकर डाला है। ध्यान रखें, अगर आप प्याज को बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाकर डालेंगे तो उसे पकने में टाइम लगता है, इसलिए प्याज का पेस्ट बनाते समय प्याज को बिल्कुल बारीक नहीं करना है आपको। आपको प्याज को लाल होने तक पका लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालकर भून सकते हैं प्याज के साथ। ये देखिए, प्याज का कलर हल्का लाल होना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी आपको प्याज को बिल्कुल लाल होने तक पका लेना है। प्याज लाल हो चुकी है, अब आपको इसमें ऐड करना है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट। टमाटर के साथ साथ आपको डाल देना है स्वाद अनुसार नमक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। टमाटर के पेस्ट में नमक डालने से टमाटर जल्दी पक जाता है और टमाटर से तेल अलग होना शुरू हो चुका है, ये देखिए। लेकिन टमाटर को भी हमें बहुत ही ढंग से पकाना है। टमाटर का पेस्ट पक चुका है, अब आपको इसमें ऐड करने हैं भीगे हुए मसाले। मसाले ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक आप मसालों को पकाएं। मसालों से तेल अलग होने तक पकाने के बाद अब हमें इसमें ऐड करना है फ्राई किए हुए आलू और गोभी। आलू और गोभी को अब आपको सबसे पहले मसालों के साथ बहुत ही प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेना है। ध्यान रखें, आलू और गोभी टूटने नहीं चाहिए। अब आपको इसमें ऐड करना है 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। साथ ही साथ आप इसमें ऐड कर सकते हैं 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, या फिर आप गरम मसाला को बाद में भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें ऐड करना है अदरक और हरी मिर्च के ऐसे लंबे आकार के कटे हुए लच्छे। कलर के लिए मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब आपको ऐड करनी है इसमें मेरी फेवरेट
कसूरी मेथी डालने के बाद एक बार सब्जी को मिला लें। साथ ही साथ इसमें आप ऐड करें 1 छोटा चम्मच देसी घी का। साथ ही साथ खटास के लिए आप इसमें ऐड कर सकते हैं 1/4 आमचूर पाउडर या फिर नींबू का रस। मैंने इसमें 1/2 छोटा चम्मच नींबू के रस का यूज़ किया है। ये देखिए आलू गोभी की सब्जी बनकर तैयार है। कलर तो इसमें बहुत ही अच्छा आया है, साथ साथ खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस आलू गोभी की सब्जी को सर्व करने की ओर। आलू गोभी की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, ये तो मेरी फेवरेट है और आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं जब कभी भी घर में मेहमान आए। और अगर आपको कुछ नहीं सूझता तो आप इस सब्जी को बनाकर सर्व करें। आप इस सब्जी को पूरी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं, खाने में बहुत ही डिलीशियस है। फ्रेंड्स अगर आपको भी मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।